तो गाइस आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल अभी। और आज जो हमारे साथ जुड़े हुए वो है ऋतिक पवित्रा, सॉरी आपका नाम सर पवित्र है, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके नाम के अंदर। और हमारे साथ जो है हरीश गुप्ता। ओके गाइस थोड़ा थोड़ा यार अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हो एक एक करके कि कहां से हो, क्या करते हो, कब से जुड़े हुए मंचल के साथ और सारी चीजें। तो ऋतिक आपसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बता दो कहां से हो, क्या नाम है। हाँ जी, तो व्यूवर्स को पता लगे कि कहाँ कहाँ से हमारे साथ सब्सक्राइबर्स जो हैं जुड़े हुए हैं और क्या सारी क्वेरीज हैं। फिर एक चीज और बताया तो गाइस ये जो सीरीज है जहाँ पे अभी हम चैट कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप भी ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम पे मैसेज होके, मैसेज करके आप जरा रुकी मुझे जो है ज्वाइन कर सकते हो यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग द सेम बाइनरी एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर क्वेरीज है आपकी तो आप यहाँ पे आंसर करके जो है जो भी क्वेरीज आप पूछ सकते हो, इन द सेंस चैट में भी आप पूछ सकते हो। तो ऋतिक बताओ यार अपने बारे में कुछ बड़ा बहुत। सबसे पहले तो हेलो सर आपको सबको, और मैं महाराष्ट्र से हूँ, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से। ओके महाराष्ट्र से? हाँ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके ओके सो भाई ठीक है। तो पवित्र का यार बहुत स्माइल कर रहे हो आप दोस्त। सबसे पहले थैंक यू। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तमलुक से। कहाँ से? तमलुक वेस्ट बंगाल। अच्छा वेस्ट बंगाल से। ओके वेस्ट बंगाल। ओके हरीश कहाँ पे बैठे? मैं सर बिहार से हूँ। बिहार से हूँ। ठीक है तो गाइस ट्रेडिंग वगैरह करते हो सर? बस अभी। अच्छा स्टूडेंट हो। हाँ स्टूडेंट इन द सेंस की बीटेक वगैरह लाइक या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कर रहा है? बीसीए। कुछ क्वेश्चन हो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं गाइस। ठीक है ऋतिक आपसे स्टार्ट करते हैं यार, जल्दी से खत्म करेंगे इस वीडियो को, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे। जैसे अगर कुछ भी पूछना है ओके ब्रो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रो कि ये जो आप अभी जो यूपीआई से डिपॉजिट का मेथड आया है ना, हम जो अगर कोई कार्ड से डिपॉजिट करता है और उसको विड्रॉ करना है, मतलब उसको प्रॉफिट हो जाता है तो उसको विड्रॉ करना है, तो फिर तो स्क्रिल और नेटेलर का ही ऑप्शन होगा ना, तो क्या वो यूपीआई से भी कर पाएगा विड्रॉ? आपका कहने का मतलब अगर आपने यूपीआई से डिपॉजिट किया है ना? नहीं, अगर कार्ड से डिपॉजिट किया। ठीक है अब मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है बिल्कुल डेफिनेटली समझ गया, तो मैं आंसर करता हूँ। देखो क्या है ऋतिक, जब अगर आप कार्ड से डिपॉजिट करते हो या स्किल से डिपॉजिट करते हो या नेटवर्क से डिपॉजिट करते हो तो आप जो विड्रॉ है वो यूपीआई में ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप कार्ड से डिपॉजिट करके कार्ड में विड्रॉ लोगे तो जितना अमाउंट आपने डाला है सिर्फ उतना अमाउंट ही आप रिटर्न ले पाओगे कार्ड के थ्रू, और स्किल और नेटवर्क के थ्रू आप कितना भी ले सकते हो, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। ठीक है मतलब आपका क्वेश्चन जो आपने पूछा ना सिंपल सा आंसर है कि यूपीआई के मेथड से आप कितना भी विड्रॉ ले सकते हो, अगर आपने डिपॉजिट किसी भी मेथड से किया और विड्रॉ यूपीआई से ले रहे हो। बस एक शर्त है यहाँ पे, एक कंडीशन है, वो ये कि अगर आपने यूपीआई जो आपका आईडी है वो कहीं और नहीं यूज किया होना चाहिए, किसी और पेमेंट गेटवे के साथ जो कि सेम ऑलिम ट्रेड का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। समझ गया? ओके। और ब्रो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि $100 से आपने स्टार्ट किया था, तो आपने $1,000-$2,000 वगैरह कर लिए थे, तो मैं जानना चाहूंगा कि मतलब आपने कैसे किया, आपने क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की, या आपने कैसे मतलब मार्केट को एनालाइज किया था, या आपने किससे सीखा? तो भाई मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, स्ट्रेटेजी जो होती है ना कोई लॉन्ग टर्म की नहीं होती, सारी टेम्परेरी होती है। गाइस जो भी वीडियो देख रहे हैं सबको बताना चाहूंगा जो स्ट्रेटेजीज है सारी की सारी छोटे टर्म्स के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज जो मैंने कैसे किया उसके ऊपर बात करते हैं, तो भाई बहुत लॉस हुआ था पहले, उसको रिकवर करते करते धीरे धीरे चीजें समझ में आई किस तरीके से उसको कवर कर सकते हैं, और उसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए क्या किया था मैंने, मार्टिकल से उसको फॉलो किया था बहुत छोटे छोटे से, और पर डे मैंने परसेंटेज का टारगेट रखा था, इतना परसेंट मेरे को पर डे प्रॉफिट होता है मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। तो उस ये एक सिचुएशन है जहाँ पे यही एक सिचुएशन है जहाँ पे आप कंट्रोल करके इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ से लालच करके थोड़ा सा ज्यादा कमाने की सोचोगे तो यहाँ पे लॉस कर जाओगे। दिस इज द मेन रीजन और यही ब्यूटी है यहाँ की। आपको कितना टाइम लगा होगा फिर तो भी लॉसेस से रिकवर करते हुए या फिर प्रॉफिट में आते हुए? मेरे ख्याल से मुझे लगे थे 4-5 महीने ज्यादा, 4-5 महीने, 4-5 महीने लगे थे, उससे ज्यादा टाइम लगा था। ठीक है
पवित्रा का यार आपका माइक, पवित्रा आपका जो माइक है वो ऑफ है, एंड दूसरी जो चीज है आपने अपन मोबाइल को टिल्ट करके यार लैंडस्केप से हॉरिजॉन्टल वाले में कर लो तो थोड़ा बेटर रहेगा, व्यू अच्छा आएगा ऑडियंस को। अच्छा ये तो अटक ही गया यार इनका, मुझे लगता है एक काम करो यार हरीश, अगर आप आपका टर्न है यार, आप पूछे मतलब छत पे आती गर्मी में छत पे खड़ो, आप पूछो क्या पूछना है। यस सर, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि अगर जो हम ट्रेडिंग में आते हैं तो सबसे पहले किस चीज का नॉलेज लेना चाहिए, यानी कि फॉरेक्स का या फिर जैसे डायरेक्ट बाइनरी ट्रेडिंग करना चाहिए, या फिर नॉलेज पहले किस चीज में लेना चाहिए और करना किस चीज में चाहिए। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली दिस क्वेश्चन लाइक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम एंटर करते हो इस चीज के अंदर किस चीज का नॉलेज आपको स्टार्ट किस चीज से करना चाहिए, मतलब बेसिक ना बेसिक किस चीज को लेके चलना चाहिए ना, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि व्हेन यू स्टार्टेड इन दिस फील्ड, तो सबसे पहले ना आप डेमो में जाओ, रियल में बताओ, ठीक है। व्हेन आप सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज होना है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का होना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, लाइक आपको पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो फॉर्म हो रही है वो एग्जैक्टली इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बाद ये हमारा सिचुएशन है, यानी इस तरीके से हो सकती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली होना चाहिए, मतलब बेसिक मतलब आप सिंपल सी बात है, जब आप स्टार्ट करते हो ना तो पहला नॉलेज आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का होना चाहिए, स्ट्रेटजी बहुत सेकेंडरी आती है, मनी मैनेजमेंट बहुत बाद में आता है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत बाद में आता है, कभी भी अपना रियल पैसा इन्वेस्ट मत करो जब तक सारी चीज के नॉलेज ना हो, सिंपल सी बात, ठीक है। मतलब आप क्या करना, स्टार्ट करते हो ना ट्रेडिंग तो सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ो, मैंने वीडियोस भी बना रखी है यार, 7-8 वीडियो भी बनाई हुई है मैंने शायद कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, और बना दूंगा यार, तो बोलना यार। देखा हूँ सर, जी सर। एक क्वेश्चन आ रहा है सर, एक क्वेश्चन आ रही है ना कि जैसे कि हमने डेमो से मतलब ट्रेडिंग लेते हैं ना, तो डेमो से मैंने 3-4 लाख डॉलर बना दिया, लेकिन जब लाइव अकाउंट पे आते हैं ना तो $10 डाला था लेकिन मैंने $50 बनाया था, लेकिन कुछ ना मतलब जैसे $1-2 का ट्रेड ले रहा था तो सही था, लेकिन मैंने जब भी $5-10 का ट्रेड लेता हूँ ना तो सीधा लॉस में जाता हूँ। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब आप डेमो में ट्रेड लेते हो ना तो आपके पास जो टोटल अमाउंट होता है वो कितना होता है, $10,000 का, ठीक है। आपके डेमो में अकाउंट होगा $10,000, लेकिन उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये ओलिम ट्रेड वाले या फिर कोई भी कंपनीज है ना, सारे के सारे बहुत स्मार्ट होते हैं जी। ये लोग क्या करते हैं ना, जानबूझ के आपको बहुत बड़ा अमाउंट देते हैं ताकि अगर आप उसमें लॉस कर भी जाओ तो आप बड़ा ट्रेड लेके उसको रिकवर कर लो, बट इन रियल लाइफ में आप उतना अमाउंट रियल में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, ट्रुथ यही है, सच्चाई यही है, करेक्ट। आप उतना अमाउंट आप 10,000 थोड़ी डाल सकोगे, तो आप जब डेमो में ट्रेड लेते हो ना तो क्या करो, अगर आप $100 डाल सकते हो, मान के चलो कि आप $100 इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ $100 को ही टारगेट लेके चलो, ऐसा लेके चलो कि भाई आपके पास $100 है, ठीक है, $100 आपके पास है और उससे ही आपको जो है ट्रेड लेनी है, आप 5,000 को भूल जाओगे, फिर आप देखो आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा डेमो में और लाइव उसमें लाइव में, एक पर्टिकुलर अमाउंट आप फिक्स करके चलो। आप क्या ना $3,900 हारते हो, जानबूझ के हारते हो, फिर बचेगा सिर्फ $100, वो $100 को ऐसा लेके चलो कि मेरे पास इतने हैं और इसको मुझे बढ़ा के बहुत करना है, ठीक है। पवित्रा काफी देर से आप चुप बैठे हो, आप पूछ लो कि आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है। यस मतलब एक सेकंड अनम्यूट कर दिया। हाँ मुझे लगता है यार इनका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्लो है, और हाँ पवित्रा आपको आवाज आ रही है, बोलिए 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 बोलिए, ठीक है पूछो यार पूछो। हम बोलते हैं कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा इसको। देखो मनी मैनेजमेंट देखो बहुत रिस्की होता है, कहने का मतलब यहाँ पे ना, अगर आप मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है आप मार्टिकल स्टेप्स को फॉलो करो या आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करो, अगर आप मार्टिकल स्टेप्स को फॉलो करोगे ना दोस्त तो यहाँ पे क्या होगा कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आते हो, $1,000 $500 $1,500 तो ही आप मार्टिकल को फॉलो करो, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ मार्टिकल को फॉलो करने का कोई फायदा है। और आप मनी मैनेजमेंट मैंने मैंने $10 पे खेले थे, ठीक है, पूरा से पूरा ही हार गए, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैनेजमेंट का तो करना ही पड़ेगा। नहीं $10 से तो आप हारोगे यार दोस्त, क्योंकि $10 कुछ भी नहीं है यार, मतलब सर वही हम भी करते हैं, अगर $10 डालोगे ना यहाँ पे तो आप कुछ नहीं लेके जाओगे इस मार्केट से, ट्रस्ट मी बिलीव मी, यहाँ पे आप मिनिमम $100 डालोगे तब जाके चांसेस हैं आपके कि आप प्रॉफिट लेके जाओगे, वो भी तब जब आप पेशेंस रखोगे, अच्छे से पेशेंस रखोगे और स्ट्रेटजी वाइज यूज करोगे तब जाके, अदरवाइज बहुत रिस्की मार्केट है दोस्त, बहुत रिस्की मार्केट है, प्रॉफिट है लेकिन पैसा ले भी लेता है सारा। ऋतिक काफी देर से चुप बैठा है, क्या हो गया?
महाराष्ट्र के लोग चुपचाप रहते हैं। नहीं मैं ही नहीं रहता, लेकिन अभी बाकियों का भी सुनना पड़ेगा ना, उनसे भी तो सीखना है। तो ब्रो आपसे एक, अच्छा तो एक क्वेश्चन था कि मतलब आप ट्रेडिंग के अलावा भी और कुछ करते हो क्या? नहीं करता गरीब आदमी भाई, मैं गरीब आदमी कुछ नहीं करता, मैं जॉब ही नहीं करता यार, जॉब ही नहीं करता मैं, कुछ नहीं करता। कृति सर गरीब आदमी है, चार चार पांच पांच हजार दस दस हजार डॉलर का काम। तुझे पता है कितना कितना हारता हूँ, कितना हारता हूँ तुम्हें पता है? नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता मैं कितना हारता हूँ। तुम्हें जो दिखता है ना वो तो मान लो ऐसा है कि कोई ट्रेड जीत गया, लेकिन हारी भी ट्रेड भी देखो कि जो मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस की कितनी में हार जाता हूँ। 5000 वाली डॉलर की ट्रेड हारा था, देखा था किसी ने वीडियो यूट्यूब पे? हाँ देखा था, देखा था मैंने, देखा था। हाँ 5000 डॉलर का मतलब देख लो मोमेंट। हाँ तो बहुत बुरा लगा था, एक मोमेंट से हार गए थे बस, छोटा सा डिफरेंस रह गया था। हाँ मुझे लगता है जानबूझ के आ रहा था, मुझे वाले बोला रहे उनको क्या मतलब उनको लगा होगा 5000 डॉलर की कमाई हो रही है तो बंदे को हरा ही देते हैं थोड़ा सा करके। अरे कभी बड़ी ट्रेड मत मतलब ब्रो, छोटी ट्रेड्स लिया करो। हाँ। बड़ी ट्रेड लेने कोई फायदा नहीं आता। तो ब्रो अगर मतलब कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रेडिंग करना चाहे, मतलब बाइनरी ट्रेडिंग है तो कर सकता है क्या? यार देख लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता है, बट डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट यूज करो, सिंगल अकाउंट्स के साथ मत जाओ, क्योंकि एक अकाउंट से जब आप डबल से ज्यादा पैसा कमा लेते हो तो शायद कभी कभार कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मतलब 100 में से 2-3 केसेस में, और अगर आपका ही वो 2-3 में से एक केस हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं तो वैसे हर बार डिफरेंट अकाउंट यूज करता हूं, बस मतलब कहने का मतलब है 100% बोनस मिलता है। हां एक अकाउंट यूज करो, उसमें डबल पैसे कमाओ, जितना डाला उसे डबल आ गए पैसे, आने के बाद क्या करो उसको डिसेबल करवा दो, फिर दूसरा अकाउंट बना दो। हाँ तो ब्रो उसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि मतलब उसको डिसेबल अगर नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? प्रॉब्लम ये नहीं होगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, लेकिन चीजें क्या करनी पड़ेगी आपको, नई ईमेल आईडी चाहिएगी और नया अकाउंट चाहिएगा, नई ईमेल आईडी, नया फोन नंबर, ठीक है? फोन नंबर भी नया चाहिएगा, और उसके बाद जो पेमेंट मेथड यूज करोगे वो भी अलग यूज करना पड़ेगा। पिछली बार अगर स्क्रीन किया था तो इस बार नेटलेट करो, पिछली बार बैंक अकाउंट वाला किया था तो इस बार कोई और सा करो, मतलब ऐसा करना पड़ेगा। वैसे डिसेबल ही करवा दिया करो यार, ऑनलाइन का सपोर्ट है ना, उससे बात करके करवा लिया करो, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 4-5 अकाउंट हो गए। अच्छा 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 कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गाइस यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं लेके जाएंगे नहीं, ठीक है? तो यहीं पे स्टॉप कर दें, और आने वाले फ्यूचर में फिर से ज्वाइन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं हर 3-4 दिन में एक बार लाइव जाता ही रहता हूँ, रोज रोज कौन यार मेरे से बात करेगा, सेलिब्रिटी तो होनी रोज रोज मुझसे, रोज नए नए लोग जुड़ेंगे, तो आप लोग ही जुड़ते रहना, ठीक है? मजा आएगा, ठीक है? ओके गाइस थैंक्स सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन ओके थैंक यू सर। हां कुछ कह रहे थे आप हरीश जी, कह रहे थे सेलिब्रिटी नहीं है सर लेकिन सेलिब्रिटी का पार्ट तो है ना सर, एक हमारे लिए सेलिब्रिटी जैसे ही यूज कराओ मेरे लिए तो सेलिब्रिटी है ही सर, ऐसा कुछ नहीं दोस्त। तो यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऋतिक, पवित्रा एंड हरीश यार ज्वाइन करने के लिए। एंड गाइस एक चीज और, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो यार, ये तीनों लोग भी भाई आप लोग बोलो यार हमारे अपने फैंस को कि भाई लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करना वीडियो को, ताकि बहुत सारे जो लोग जिनको भी मौका मिले ना, अगर ज्यादा से ज्यादा व्यूज जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, लाइक आएंगे, तो क्या होगा ना कि उसके बाद ये सीरीज आगे कंटिन्यू करने का मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेक्शन होता है ना अपने सब्सक्राइबर से, तो यार मतलब आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, अगर आप लोग अभी तक देख रहे थे तो थैंक यू सो मच। अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, अभी हो जाओ ज्वाइन, एंड मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक्साइटिंग कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।